वेलकम ग्रेड थ्री, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई वेलकम यू ऑल इन द पीरियड ऑफ साइंस। लेट्स स्टार्ट। कल हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया, हाउ एनिमल्स लिव, जानवर हाउ एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। सबसे पहले आपने मेंशन करनी है आज की डेट 26 मई 2021 एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फूड चेन, यानी खुराक की एक जो तरीका होता है जानवरों का वो क्या होता है। टाइगर ईट्स एनिमल्स सच एज डियर और गोट। जो चीते हैं वो खाते हैं, सच एज का मतलब जैसा कि, वो खाते हैं डियर और गोट यानी हिरण और फिर बकरा वगैरह। व्हाट डज अ डियर और गोट ईट। अगर चीते यानी टाइगर खाते हैं डियर को, तो डियर क्या खाता है? इट ईट्स प्लांट्स। डियर वेजिटेरियन होता है, पौधे वगैरह खाता है। इट ईट्स प्लांट। वेजिटेबल्स भी जो है वो प्लांट्स का हिस्सा ही होती है। अगर आप किसी को कहते हैं तो आप वेजिटेरियन हैं, तो इट मींस के वो पौधे वगैरह ज़्यादा शौक से खाता है। पौधे वगैरह मतलब घास फूस नहीं हो जाता। जानवरों में भी ये वेजिटेबल्स या ग्रास, ये सारा कुछ पौधों में ही आता है, ठीक है। तो ये वेजिटेरियन होता है, हर्बीवोर होता है, हर्ब्स खाते हैं। जो चीते हैं वो यानी जो टाइगर है, लाइन है, हाइंस हैं, ये एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। एनिमल्स जैसे डियर, गोट, कोई भी जानवर हो सकता है, काओ, रैट, रैबिट, बियर्स, लाइन, टाइगर, हाइंस, इनको खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स को खाते हैं बेसिकली। और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो हर्ब्स खाते हैं या फिर पौधे खाते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही है, पौधे खाते हैं। एन एनिमल एन ईगल ईट्स स्मॉल एनिमल्स सच एज माउस और बेबीज ऑफ बर्ड्स। जो ईगल है यानी चील जिसे कहते हैं, वो खाते हैं स्मॉल एनिमल्स को, छोटे जानवरों को, जैसा कि माउस यानी चूहा, एंड बेबीज ऑफ बर्ड्स जो परिंदों के बच्चे होते हैं उनको खाते हैं, एंड अदर एनिमल्स और मुख्तलिफ और जानवर जैसे फिश हो गई, ये फिश भी बहुत शौक से खाती है ईगल, तो और डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो ये उन्हें भी खाती है। तो फिर माउस क्या खाता है? अ माउस ईट्स ग्रेन दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो माउस है वो खाता है ग्रेन यानी दाने जो पौधों से हासिल होते हैं, जैसा कि वीट यानी गंदम या फिर राइस जो होता है चावल, ये इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। कॉर्न मकई भी बहुत शौक से खाता है। यू कैन मेक सेवरल ऑफ दीज फूड चेन। हम इस तरह की बहुत ज़्यादा, सेवरल का मतलब बहुत ज़्यादा फूड चेन बना सकते हैं कि कौन क्या खाता है, कौन सा एनिमल क्या खाता है। जैसे बियर है वो हनी और फिश और हर प्लांट्स बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो फिश क्या खाती है? फिश मुख्तलिफ चीज़ें खाती हैं, जैसे पौधे होते हैं ज़मीन में उनको खाती है, कुछ जो लार्ज फिशेस हैं वो फिश को ही खाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बन सकती हैं कि कौन क्या क्या खाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानवर हैं। यू विल फाइंड दैट ऑल फूड चेन बिगेन विद प्लांट्स। हमें ये पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा फूड चेन स्टार्ट होती हैं पौधों से, पौधों से स्टार्ट होती हैं कि पौधे होंगे तो ये जानवर आगे खाएं पिएंगे और फिर दूसरे जानवर उन जानवरों का शिकार करेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा फूड चेन हम बना सकते हैं। सो ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब जो बहुत ज़्यादा जानवर हैं, डिपेंड का मतलब इन्हेसार होता है, लेकिन यहाँ पर हम ज़रूरत भी कह सकते हैं कि ज़मीन पर जानवरों की ज़रूरत पौधों से शुरू होती है, ठीक है। इन्हेसार आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, ख़ुद समझने की कोशिश भी कीजिएगा।
एक दो दफ़ा और मेरा लेक्चर सुनेगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी फिर आपको। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।